दोस्तों पुलिस बाजार पॉइंट में पहुंचने वाला हुआ। दोस्तों फाइनली मैं पहुंच गया और गाड़ी मैंने यहाँ पर रख दिया है, देखिए। दोस्तों फाइनली पहुंच गया, टाइम हो रहा है। हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो दोस्तों कल तो मैं कहीं पे गया नहीं, तबीयत इतना खास नहीं था, सो कल कहीं पे जाने का मौका ही नहीं मिला। सो आ गया मैं, स्टैंड पे नहीं जा रहा हूँ दोस्तों, बहुत दिन हो गया, पहले डायरेक्ट यहाँ पे आ रहा हूँ, क्योंकि स्टैंड पे बैठने से अच्छा नहीं लगता, दोस्तों भी नहीं होता है अभी, क्योंकि सभी मतलब अभी काम मिलने का बाद ही आते हैं ज़्यादातर लोग, जितना भी है दोस्त लोग। और एक दोस्त तो सामने पे बैठा हुआ है, एक नहीं दो है, यहाँ पे सामने एक है और वो दोस्त का पीछे में और एक है, सो यहाँ पे ही बैठा हुआ है। मैं तो थोड़ा देरी से आया, वो लोग तो सुबह से बैठे हुए हैं दोस्तों, कुछ भी काम नहीं हुआ, उन लोगों का भी काम नहीं हुआ, मैंने पूछा था कि काम मिला था क्या, जैसे अभी कॉल ही किया है मैंने, तो सामने ही है, आएगा थोड़ी देर बाद में। तो वही बात है दोस्तों, अभी करते हैं वेट, देखते हैं मिलता है कि नहीं आज काम। वैसे तो लगता है कि बारिश आने वाला है, सो आएगा, कब तक आएगा वो भी गारंटी नहीं है, क्योंकि मेघालय है भाई, कुछ भी हो सकता है। सो करते हैं दोस्तों वेट, देखते हैं कुछ काम मिलता है कि नहीं आज, और मिलने से तो यहाँ से ही जाऊँगा दोस्तों, तो देखते हैं कब तक बैठना पड़ता है, वही बात है, तो मिलते हैं। Two hours later. So, दोस्तों फाइनली दो घंटा बैठने के बाद में कॉल आ गया, जस्ट अभी भी कॉल ही आया अफ्तर भाई का, तो क्या सामान लेके जाना है, कहाँ जाना है, कुछ नहीं बोला है, जस्ट पूछा है कि कहाँ में हूँ मैं मतलब, तो मैंने बोला है मैं ऑकलैंड में बैठा हुआ हूँ। सो उन्होंने बोला है कि अफ्तर भाई ने बोला है कि थोड़ा जल्दी आने के लिए, तो जस्ट निकल रहा हूँ अभी फटाफट, क्योंकि ट्रैफिक जाम है कि नहीं वो भी पता नहीं है, क्योंकि आया हूँ दो घंटा पहले, उस टाइम तो थोड़ा बहुत था ट्रैफिक जाम, लेकिन अभी है कि नहीं मालूम नहीं दोस्तों, वो तो जाने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि यहाँ से ही ट्रैफिक जाम लग जाता है जस्ट जो रास्ता घुसता है पीपी जाने के लिए, सो वहाँ से मुझे सीधा जाके राइट टर्न मारना पड़ता है, वहाँ से पता चल जाता है ट्रैफिक जाम है कि नहीं, वही बात है दोस्तों। तो निकलते हैं अभी, जाते हैं डायरेक्ट एमबी फर्नीचर में, जाके देखते हैं क्या सामान है, कहाँ लेके जाना है, तो बताते जाऊँगा मैं, तो निकलता हूँ फिलहाल यहाँ से दोस्तों। दोस्तों पुलिस बाजार पॉइंट में पहुंचने वाला बस, और टाइम आया दोस्तों चार, एक्चुअली मैं दिल्ली से आया था दोस्तों, इसी वजह से टाइम लग गया, क्योंकि 2 बजे तो आके पहुंचा ही था मैं, अभी हो रहा है 4:05, तो निकलने के बाद यहाँ पे आने में 5 मिनट लगा, अभी जी एस रोड जाने में कितना टाइम लगेगा मालूम नहीं दोस्तों, क्योंकि ट्रैफिक जाम तो है और रहेगा ही दोस्तों, वो बात नहीं है कि खाली मिल जाएगा, खाली एक्चुअली थोड़ा होता है, एक्चुअली खाली होता है जब स्कूल छुट्टी होता है दोस्तों, उस टाइम में पीवी थोड़ा खाली हो जाता है, फिर स्कूल टाइम जब ख़त्म हो जाता है उसके बाद में फिर पीवी में ट्रैफिक जाम लगना शुरू हो जाता है दोस्तों, थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ रहा है गाड़ी, थोड़ा जाता है फिर रुकता है, थोड़ा जाता है फिर रुकता है, थोड़ा जाता है फिर रुकता है, एक्सप्रेस। चलिए चलते हैं डायरेक्ट दुकान में दोस्तों, और जाके दिखाते हैं और बोलते हैं आपको कहाँ पे जाना है, कहाँ जाना है, क्या सामान है, कुछ भी पता ही नहीं है अभी तक, वही बात है। A little longer than a few minutes later. दोस्तों शायद मुझे लग रहा है ये एक वार्ड्रोप है और जाना है रेलबोंग लेके, सो पैकेट अफ्तर भाई और सुमन भैया दोनों ही जा रहे हैं, उनको फिटिंग करके आना है, देखते हैं क्या होता है दोस्तों, पहले निकलते हैं यहाँ से, वैसे तो बारिश आने वाला है जैसा लग रहा है, ये तो वार्ड्रोप ही लग रहा है मुझे 3 डोर वाला, तो चलिए दोस्तों जो भी हो निकलते हैं। फाइनली मैं पहुंच गया और गाड़ी मैंने यहाँ पर रख दिया है, देखिए, और बिल्डिंग तो यही है, और कहाँ जाना है मालूम नहीं, और नीचे होगा शायद मुझे लगा, तो सामान उठा लेते हैं फटाफट गाड़ी। A few moments later. तो फाइनली सामान उतरना हो गया कंप्लीट और मैं निकल रहा हूँ, अफ्तर भाई और सुमन का टाइम लगेगा क्योंकि उन लोगों का फिटिंग करना है, और 3 डोर का टाइम तो लगेगा 1 से 2 घंटा, तो चलिए मैं निकल जाता हूँ दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगा क्योंकि सामान भारी था दोस्तों। देखिए टाइम इतना हो गया, काम सिर्फ मिला ही
5 बज गया दोस्तों। चलो दोस्तों अभी चलते रहे स्टैंड पे, स्टैंड पे जाओ कि कहाँ जाओ उसका भी टेंशन लगा रहता है दोस्तों। चलिए जाता हूँ स्टैंड पे, मुझे लग रहा थोड़ा स्टैंड पे बैठना चाहिए थोड़ा देर के लिए, फिर बाद में देखा जाएगा क्या होता है। चलिए दोस्तों निकलते हैं यहाँ से, डायरेक्ट जाते हैं स्टैंड पे अभी। दोस्तों फाइनली पहुंच गया, टाइम हो रहा है 5:40। अभी बैठता हूँ दोस्तों, बैठता हूँ मतलब बैठा ही रहूँगा दोस्तों, तब भी बैठता हूँ क्या करूँगा, लगाता हूँ गाड़ी जाके स्टैंड पे दोस्तों, और इंतज़ार तो करना ही पड़ेगा, कब तक मिलेगा नहीं मिलेगा दोस्तों, क्योंकि पहला काम मिलने में इतना टाइम लग गया, 4 बज गया, 4 से अभी 5:40 हो गया तो मैं वापस आया हूँ, तो मुझे नहीं लगता और कुछ मिल पाएगा आज, तो करता हूँ दोस्तों वेट, देखते क्या होता है, मिलते हैं दोस्तों। 1 hour later। सो दोस्तों जीएस में बैठे बैठे थक गए, टाइम हो रहा है दोस्तों 7। सो और कोई काम मिलने का चांसेस तो है नहीं, वैसे ही मार्केट इतना ख़राब है कि एक काम के अलावा काम तो मिलता ही नहीं है। सो कोई बात नहीं दोस्तों, चलता है, लेकिन आज जो काम मिला वो चलता नहीं है, वही बैठा हुआ था जीएस रोड में, एक दोस्त भी था वो भी चला गया दोस्तों, मैं जीएस रोड जब पहुंचा उसको देखा मैंने वहीं पे था, सो मैंने सोचा कि बैठूंगा उसके साथ, सो वो भी बोल रहा था, हम लोग बातें वगैरह कर रहे थे, तो जो उसने अचानक बोला कि मैं घर जा रहा हूँ, अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसने भी एक ही काम मिला है उसका भी, सो वो चला गया और मैं ऑकलैंड आ गया दोस्तों। अभी कुछ काम आएगा तो यहाँ से ही जाऊँगा, अगर नहीं आएगा तो यहाँ से घर डायरेक्ट दोस्तों, तो देखते क्या होता है, 7 तो बज चुका है और 2 घंटा बाकी है, 2 घंटे में अगर कुछ हो जाए तो बहुत ही अच्छा होता है दोस्तों, तो क्या होता है देखते हैं। 2 hours later। सो दोस्तों फाइनली चला आया घर में, ऑकलैंड में बैठा रहा दोस्तों, जो मैंने बोला था दो घंटा पूरा का पूरा 2 घंटा में बैठा ही रहा दोस्तों, लेकिन ना कोई कॉल ना कोई बुलावा कुछ भी नहीं दोस्तों, इसी वजह से दोस्त भी नहीं था, 2 घंटा तो बहुत ही मुश्किल से मैं बैठा दोस्तों अकेला। इसके बाद में 2 घंटा जब हो गया कम्प्लीट मैं निकल गया दोस्तों, तो वही बात है, एक काम तो मिला है वही रिलबॉन्ग का, वही मिला है बड़ा बात है, नहीं तो वो भी नहीं मिलता था दोस्तों, खाली आता ना पड़ता था, तब भी मिला है वही। तो आज का वीडियो अगर पसंद है दोस्तों तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, और एक दिन में वीडियो दे नहीं पाया, आई एम सो सॉरी दोस्तों, माफ़ कर दीजिएगा। आज के लिए ब्लॉग बस इतना दोस्तों, फिर कल मिलेंगे ब्लॉग के साथ, तब तक गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।